हे हाय गाइस, अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा था प्रति शिरडी, और जब वीडियो के एंडिंग में दक्ष ने बोला था कि अभी हम नेक्स्ट वीक जाएंगे गणपति जी के मंदिर, तो देखिए उसके मुंह में उस टाइम कहते हैं ना सरस्वती बैठती है कि जो बोलो वो हो जाता है, वैसे ही हुआ। हम जैसे ही शिरडी से रास्ते से वापस ही आ रहे थे, जैसे ही उसने बोला हमें गणपति जी की बड़ी सी मूर्ति दिखाई पड़ी और पता चला कि वो गणपति जी का एक मंदिर है, तो हमने सोचा कि वो मंदिर में भी गणपति जी के भी दर्शन कर लेते हैं। और लास्ट वीक भी ऐसे ही हुआ था, लास्ट वीक हम निकले थे एक्चुअली शिरडी आने के लिए, यहीं पे प्रति शिरडी आने के लिए, लेकिन दक्ष ने बोला कि उसको शिवजी के मंदिर जाना है, और हमने सामने देखा तो सामने शिवजी का मंदिर था, तो हम प्रति शिरडी छोड़ के शिवजी के मंदिर चले गए। और आज भी हम प्रति शिरडी आए थे और इसने बोला गणपति जी के मंदिर जाएंगे नेक्स्ट वीक, और देखिए गणपति जी का मंदिर सामने दिख गया। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा अच्छा बोलो, शुभ शुभ बोलो, क्योंकि कई बार जो हम बोलते हैं वो सच हो जाता है। इसलिए थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। तो चलिए आपको ले आते हैं गणपति जी के मंदिर। वो देखिए गणपति जी की मूर्ति, जब हम रास्ते से आ रहे थे तो ये दूर से दिखाई पड़ी। इनफैक्ट हम जब मुंबई हाईवे की तरफ मुंबई की तरफ जाते हैं पुणे से, तो भी ये रास्ते में दिखाई पड़ती है मूर्ति, रास्ते से हाईवे से। रिमझिम निमझिम बारिश लगातार हो रही है, दक्ष को हमने रेनकोट पहना दिया है इसीलिए। यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है और काफी सारी सीढ़ियां हैं। हमें अपना लास्ट वीक का शिवजी का मंदिर याद आ रहा है, वहां पे भी बहुत सारी स्टेयर्स थी। ये पहुंच गए हम गणपति जी के मंदिर, और इनकी विशाल मूर्ति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। अच्छा, मुझे लगा था ये कोई मंदिर है, ये मंदिर नहीं है, ये गणपति जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है यहाँ ऊंचाई पे। तो यहाँ पर आके आप गणपति जी के दर्शन करिए, और ये काफी थोड़ा पार्क टाइप का एरिया है, बैठने के लिए एरिया है, तो वीकेंड पे समय बिताने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। ये देखिए पीछे पार्क लग रहा है, ये लॉक है, लेकिन यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा है। तो बेसिकली ये मंदिर नहीं है, ये गणपति जी की मूर्ति है, और काफी बड़ी मूर्ति है, और आसपास का एरिया से कवर करके बैठने के लिए इवनिंग में, या खैर अभी तो पुणे में हर टाइम ही अच्छा मौसम रहता है, तो आप वीकेंड पे आके समय बिता सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और कुछ अच्छे पल, कुछ अच्छी मेमोरीज यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। बस यही तो है पुणे के मजे की, जगह जगह पे ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि आप जाके अच्छे मौसम में मजा कर सकते हैं। तो हमने दर्शन भी कर लिए गणपति जी के, और बैठ के वहां पे मजे भी कर लिए, अब हम वापस जा रहे हैं, और अब हम घर जा रहे हैं सीधे, लेकिन भूख लग रही है, अभी कुछ खाएंगे रास्ते में, पिएंगे, चाय पीने का बहुत मन कर रहा है क्योंकि बारिश हो रही है और चाय और पकौड़ों का तो मौसम है ही। ये देखिए पहाड़, और पहाड़ के ऊपर बादल, मौसम बड़ा सुहाना है, आसमान में काले काले बादल छाए हैं, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। देखिए वो नीचे हमारी गाड़ी पार्क है, उधर जाना है हमको अभी, यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए एक एरोप्लेन दिख रहा है यहाँ पर, टूटा हुआ, क्रैश हुआ था या क्या था, आई डोंट नो, एयर इंडिया का प्लेन है ये। तो गाइज आज का वीडियो बस यहीं तक, जल्दी मिलूंगी नए वीडियो के साथ। आपको पता है मैं व्लॉग के साथ आती हूँ हर मंडे, और वेडनेसडे और फ्राइडे भी वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर अभी तक आपने नहीं सुना है, सॉरी अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और ये गाना तो सुना ही होगा आपने, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा,
मतलब कहने का मतलब ये है कि आप मेरा भला करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो भगवान आपका भी भला करेगा। मिलती हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।